विदेशी ग्रेन, और आज हम करेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट हम प्रोसीड करेंगे, और आज हमें प्रोसीड करना था एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्वीट बी फर्स्ट एग्जांपल। अब देखो, मान लो सपोज दिस इज अ फ्लावर ऑफ स्वीट बी। ये एक स्वीट बी का फ्लावर है, उसमें थ्री टाइप्स ऑफ पेटल होते हैं, एक स्टैंडर्ड पेटल, एक विंग पेटल, एक कील पेटल। पहले विंग पेटल, कील पेटल यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब कोई भी बी या फिर कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर फ्लावर की तरफ आता है, तो ये दोनों पेटल ऐसे सप्रेस हो जाते हैं, मतलब ये दब जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई पेटल है तो इसके ऊपर ये बी आके बैठ जाती है और ये सप्रेस हो जाते हैं, ऐसे ये प्रेस हो जाता है जब ये बी आके बैठती है। और जो स्टामेन है, जो स्टामेन है, ये स्टामेन और इसका एंथर बी में टच होता है, ठीक है। अगर इस बी में पहले से कोई एंथर है तो वो एंथर इसमें जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं तो उसमें पोलन लग जाएगा और फिर वो बाकी बाहर जाके ब्लूम पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, इन विंड पॉलिनेटेड मेल्स। विंड पॉलिनेटेड मेल्स का एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल। पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड। अब इसमें इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन नहीं होता है, ये जो मेल्स का पॉलिनेशन है वो होता है विंड पॉलिनेशन, वो विंड की वजह से पॉलिनेट होता है। मेल्स इसकी वजह से पॉलिनेट होता है, विंड की वजह से पॉलिनेट होता है, ठीक है। अब यह मेल्स का पॉलिनेशन। मेज में पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड। विंड से पॉलिनेशन होता है, एज द विंड ब्लोज द पोलन फ्रॉम आउटवर्डली हैंगिंग एंथर। अब यहाँ पे जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग और आउटवर्ड हैंगिंग एंथर होते हैं, पहले भी पढ़ा है, इसलिए ताकि विंड आए तो इस एंथर को कैरी करके लेगा विंड पॉलिनेशन, ठीक है। अब मेज पॉलिनेशन में भी यही होगा, विंड आएगी मेज का पोलन को ऐसे कैरी करके लेके जाएगी। पोलन ऑफकोर्स विंड पॉलिनेशन है तो पोलन तो न्यूजली अटैच होगी, क्योंकि जैसे विंड आएगी उनको डिटैच होके फ्लाई करना है, उड़ना है, तो ये न्यूजली अटैच होता है, इतना उनको पता है, ठीक है। इतनी लूजली, ठीक है, आगे क्या लिखा है कि ये इतना लूजली अटैच होगा कि हल्की सी भी विंड स्लाइटली उनको शेक कर देगी, मतलब ये इतनी हल्के से अटैच है कि अच्छे से कैरी हो सकती है, यही लिखा है। द पोलन ब्लोन अवे बाय द विंड में फॉल ऑन फेदरी स्टिग्मास ऑफ द फीमेल फ्लावर विच हैव डार्क सरफेस फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे मैंने रब नहीं किया है, लेकिन अगर ये एक मेल फ्लावर है तो इसमें स्टिग्मा नहीं होगा। अगर ये पोलन अगर जाएगा तो ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जाएगा, स्टिग्मा फेदरी होगा, हाँ, ताकि पोलन आके उसमें डिपॉजिट होकर चिपक जाए, इसलिए स्टिग्मा जो फीमेल फ्लावर का होगा वो फेदरी होगा, फीमेल फ्लावर फेदरी स्टिग्मा, ठीक है। और the male flowers mature earlier than the female one, so that there are less chances for self-pollination. अब जो male flower है वो female से पहले mature हो जाते हैं, ठीक है। जो male flowers होते हैं वो female से male में पहले ही mature हो जाते हैं, ताकि self-pollination के less chances हो। उन लोगों को तो cross-pollination करना है ना, तो self-pollination के लिए less chances हो, इसलिए ये लोग मेल फ्लावर फीमेल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। अभी हमने किया पॉलिनेशन कंप्लीट,
अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में आपको टू माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सबसे पहले समझने पड़ेंगे, एक पोलन ग्रेन का और एक ओव्यूल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोलन ग्रेन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझेंगे। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपका यह है फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन में क्या दिया है कि ये फ्यूजन है, ठीक है। ये फ्यूजन है जिसमें न्यूक्लियाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है, बस ये इन्हीं दोनों का फ्यूजन है, इसका मतलब ये। और फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन जो होता है, जब मान लो एक पोलन ग्रेन जो है वो टू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर, ये एक ओव्यूल का डायग्राम है ना, तो ओवरी के अंदर होता है ना ओव्यूल, ये एक अगर गाइनोशियम है तो गाइनोशियम का ये ओवरी पार्ट है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होते हैं ना, ये ओव्यूल का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूल है, हम ओव्यूल के बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि एक ओवरी गाइनोशियम का एक ओवरी ही फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन। द मैच्योर पोलन ग्रेन इज अ सेल विथ अ डबल वन। एक मैच्योर पोलन ग्रेन है, अगर एक कोई मैच्योर पोलन ग्रेन है वो है एक सेल। ये जो पोलन ग्रेन है ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन है, और ये एक सेल है जिसमें डबल वॉल है, ठीक है। ये डबल वॉल सेल है, और इस डबल वॉल में कौन सी डबल वॉल है, एक ये है, एक वॉल सिंगल वॉल ये है, और ये डबल वॉल है एक्साइन इंटाइन, ठीक है। ये है इंटाइन, ये है इंटाइन एक्साइन इंटाइन, ठीक है। ये जो गैप है उसको हम बोलते हैं इन टाइम, ठीक है। इट्स न्यूक्लियस हैज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये फर्टिलाइजेशन के पहले का पोलन ग्रेन है। जो फर्टिलाइजेशन के पहले का पोलन ग्रेन होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पहले एक था, ठीक है। फिर ये बाद में डिवाइड होके दो न्यूक्लियस में टर्न हो गया, ठीक है। At this stage, the pollen is transferred to stigma. Further changes in pollen occur only if it has fallen in the stigma of plant of the same species. अब इस pollen में changes होंगे जब ये दूसरे flower के stigma पर जाएगा, लेकिन condition क्या है कि इन दोनों की species same होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ovule का structure, ठीक है। ये है एक ovule का structure। ओव्यूल क्या है, ये एक ओवरी है, दिस इज अ ओवरी, एंड ये जो एग्स टाइप दिख रहे हैं इस ओव्यूल ओवरी में, इसे हम बोलते हैं ओव्यूल। अब इसी का डायग्राम है ये है एक ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल इज डिजाइन टू बिकम सीड। अब देखो इन दोनों के साथ क्या होता है, जब ये फ्लावर, जब भी आप देखोगे कि फ्रूट्स इसमें होते हैं, जैसे कि मान लो गुआवा का प्लांट, उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, फिर वो फ्लावर धीरे धीरे फ्रूट्स में टर्न होते हैं। और जो फ्लावर फ्रूट्स में टर्न होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी फ्लावर है उसके नीचे से बेस से वो फ्रूट में टर्न होने लगता है ना, क्यों, क्योंकि ये जो ओव्यूल है मतलब ओवरी है, ये फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो ओवरी है ये फ्रूट बनता है, और इसके अंदर के जो ये छोटे छोटे सीड्स जैसे दिख रहे हैं ओव्यूल, ये बनते हैं फ्रूट के सीड्स, ठीक है। एक ओव्यूल मतलब एक सीडेड फ्रूट, बहुत सारे ओव्यूल मतलब बहुत सारे सीड के फ्रूट।
in the each ovule has two protective coverings the integuments. अब देखो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं अब ओव्यूल के डायग्राम की. अब ये है ओव्यूल, ठीक है. इस ओव्यूल का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है. ये जो है ये है इस ओव्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग. इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है. आगे दिया है कि हर एक इंटीग्यूमेंट एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ता है, ठीक है. हर एक इंटीग्यूमेंट एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ता है जिसमें से ये ट्यूब जाता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो पाइप, ठीक है. Enclosed by the integument is a mucinous and further inside is the mucinous and further inside the mucinous is the embryo sac, ठीक है. अभी integument के अंदर होता है mucinous और mucinous के अंदर ये है embryo sac, जिसके अंदर ये सब cells दिख रहे हैं ना, nuclei दिख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं embryo sac. एम्ब्रायो सैक कंटेन्स 7 सेल्स. अब ये जो एम्ब्रायो सैक है इसमें टोटल में 7 सेल्स, ठीक है. 7 सेल्स कैसे, ये होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, ये होते हैं 2 सिनर्जिड, और ये जो बीच में है इसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं एग सेल, ठीक है. यहाँ पे हो गए टोटल 6 सेल्स. अब यहाँ पे 2 सेल दिख रहे हैं लेकिन ये टुगेदर में फ्यूज होते हैं, तो इसे हम एक कंसीडर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, और इसे हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं. तो टोटल में कितने सेल हो गए, 7 सेल हो गए टोटल में. अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन, ठीक है. तो हम प्रोसीड करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन करने हम लोग को. अभी अब देखो एक ग्राफिक डायग्राम है, एक डायोशन का और एक ग्रोइंग पोलन ग्रेन, ठीक है. पोलन ग्रेन जर्मिनेट ओनली फॉर द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज. अब देखो हमने ये बहुत बार पढ़ा है, पोलन कभी जर्मिनेट होगा अगर वो सेम स्पीशीज को स्टिग्मा में गिरता है, ठीक है. द पोलन ग्रेन फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा इज स्टिम्युलेटेड टू जर्मिनेट द स्पीशीज ऑफ शुगर्स बाय स्टिग्मा. स्टिग्मा को शुगर से क्रिएट करता है जिससे कि ये और फर्दर जर्मिनेट करता है. देखो ये जर्मिनेटेड, ठीक है, ये हल्का जर्मिनेटेड है. पहले ये ग्रो नहीं किया था, ठीक है, ये पोलन की ग्रो नहीं किया था, ये पोलन की है, पहले ये ग्रो नहीं किया था. जब ये स्टिग्मा शुगर रिलीज करने लगा तब ये और जर्मिनेट हुआ. Through a point in the exine, a pollen tube grows out of the pollen grain. जब ये sugar release करने लग जाता है तो इस तरह से ये pollen tube grow out, pollen tube निकलता है, ठीक है. तब pollen tube बनता है, ठीक है. जब यहाँ ये sugar release करता है तो ये external हमने पहले देखा था कि ये पहले सिर्फ ऐसा था, ठीक है. उसके बाद में शुगर प्रोड्यूस होने लगा स्टिग्मा से तब ये ऐसे ग्रो कर गया पोलन ट्यूब, ठीक है. इस तरह से पोलन ट्यूब ग्रो कर गया और इन दोनों के टिप में जनरेटेड न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है. पहले यहाँ पर जनरेटेड न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस था, अभी यहाँ पर टिप में जनरेटेड और ट्यूब न्यूक्लियस. तो ये फर्दर ग्रो होता है और ये जो दो है ये तीन में डिवाइड हो जाते हैं, ये तीन में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. ये तीन न्यूक्लियस में सेपरेट हो जाते हैं. लेकिन इन लोग का एक ही साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल वॉल से डिवाइडेड भी होता है, इन लोग का एक ही साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है. अभी देखो होता क्या है कि ना ये जो पोलन ग्रेन है जब इधर जाता है,
पत्थर से, ये है पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब, ठीक है, ये भी एक पोलन ट्यूब है। और इसमें जो ट्यूब न्यूक्लियस है, नाउ द पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जेट एंड रिलीजेस इट्स टू फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सिनर्जेट होगा था ना, यहाँ पे ये जो सिनर्जेट है और ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइप के थ्रू एंटर करती है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन यहाँ से एंटर करता है और सिनर्जेट में जाके फ्यूज हो जाता है, एक सिनर्जेट में जाके फ्यूज हो जाता है और उसमें से एक इस पोलर वाले में जाके फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे दो सेल्स फ्यूज हुए तो इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका एक सेल इन दोनों सिनर्जेट में जाके फ्यूज हो जाता है और एक सेल पोलर न्यूक्लियस में जाके फ्यूज होता है। तो इसका क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन भी दिया। अब हम पढ़ेंगे फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का काम खत्म हो गया, तो कुछ काम करना नहीं होता है। द पेटल्स स्टामेन स्टाइल स्टिग्मा विदर एंड जनरली फॉल ऑफ। अभी फ्लावर का मोस्ट काम हो गया है, तो फ्लावर के जो पेटल्स है, ठीक है, फ्लावर्स के पेटल्स, मेरा मास्टर काम नहीं होता, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना वो झड़ जाते हैं, सेपल्स झड़ जाते हैं, स्टामेन स्टिग्मा नोशियम गाइनोशियम ये सब झड़ जाते हैं, ठीक है। खाली क्या बचता है, ओवरी बचता है, क्योंकि ओवरी को फ्रूट बनता है। द कैलिक्स में इधर फॉल ऑफ और मे रिमेन इंटैक्ट इन ड्राइड एंड श्रिवल। कभी भी अगर आप एप्पल तोड़ोगे तो ऊपर में आपको दिखता है ना ऐसे ग्रीन कलर का, एप्पल के ऊपर ऐसे हल्का सा सेपल्स जैसा कैलिक्स होता है, वो कैलिक्स ही होता है, ठीक है। ऐसे 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 करके अलग से प्रोजेक्शन नहीं रहता एप्पल के ऊपर ग्रीन कलर के सूखे टाइप के, वो कैलिक्स होते हैं, वो फॉल ऑफ भी हो सकते हैं या फिर वो रिमेन भी रह सकते हैं। ओवरी एंड लार्जेस्ट फॉर्म फ्रूट, ओवरी जो होती है, ठीक है, ओवरी ये जो पार्ट है ये है ओवरी, है ना, ये ओवरी है, ये पार्ट ओवरी है, जो बड़ा सा गोल सा है ना, ये ओवरी है, ये फ्रूट बनता है और इसका ओव्यूल सीड बनता है। द फ्रूट कंटेन वन और मोर सीड्स विच आर डेवलप फ्रॉम वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द ओवरी बाय मींस ऑफ प्लासेंटा। अब देखो जो सीड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, एप्पल में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, देखते हो ना बीच में, अगर आप एप्पल बीच से कट करते हो तो बीच में आपको एक साथ बीच में ढेर सारे सीड्स दिखते हैं ना, वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। हमने पहले भी प्लेसेंटा पढ़ा है फ्लावर में, वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये हमने यहाँ पर आपका टेबल दिया हुआ है कि कौन सा प्लांट फ्लावर का कौन सा पार्ट क्या बन जाता है, ठीक है। अब देखो प्रोग्रेस चेक एक बार कर लेते हैं। मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इन टाइम इज द आउटर पार्ट ऑफ द पोलन, इन टाइम तो इनर पार्ट होता है ना, ये होता है इन टाइम, ये होता है एग्जाइम। पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जो है ना यहाँ से पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंटर करता है। जायगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो, थ्रू ओव्यूल बिकम्स फ्रूट, ओव्यूल फ्रूट बनता है। टू ड्राई सेपल्स में परसिस्ट इन सम, ड्राई सेपल्स परसिस्ट भी कर सकते हैं और फॉल ऑफ भी कर सकते हैं कुछ फ्रूट्स, ठीक है। तो अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसका आंसर होगा नंबर सी स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट सेम। नंबर टू,
hexine and entine are parts of, क्या होगा इसका आंसर नंबर बी पोलन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइम. स्टेट द नेम ऑफ द चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंट्स अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लान बाय चूजिंग फॉर्म ऑफ दोज इन द ब्रैकेट्स. नंबर ए डहेलिया. डहेलिया का होगा बटरफ्लाई. बी मेज. मेज का होगा विंड. सी पैलेसनेरिया का होगा वाटर. डहेलिया है इंसेक्ट कोऑर्डिनेटेड. मेज है विंड कोऑर्डिनेटेड. वैलेसनेरिया है वाटर कोऑर्डिनेटेड. मैच द फॉलोइंग. जनरेटिव न्यूक्लियस मैच होगा मेल न्यूक्लियाई से. जर्म कोर जनरेटिव न्यूक्लियर को मेल न्यूक्लियाई भी होगा. जर्म कोर मैच होगा पोलन ट्यूब से. एक्साइन मैच होगा रफ से. सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस मैच होगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से. इंटीग्यूमेंट मैच होगा टेस्टा से. और एग न्यूक्लियस मैच होगा फर्टिलाइजेशन से. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए होगा ऑटोगैमी. बी होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैचुरेशन ऑफ गाइनोशियम एंडोशियम. डाइकोगैमी डैश वाटर कोऑर्डिनेटेड फ्लावर वैलेसनेरिया. फोर नेम द पार्ट्स ऑफ द ओवरी विच गिव राइज टू. सीड इज ओव्यूल. फ्रूट इज ओवरी. फ्रूट वॉल इज ओवेरियन वॉल. वन वर्ड फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनफ्लोरेसेंस. व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑटोगैमी. उसके बाद होगा व्हेन मैच्योर टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर इज डिफरेंट. इसका होगा हेटरोस्टाइल. ठीक है तो फिर यहाँ पर बाकी क्या जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो हम लोग अपलोड कर देंगे कॉपी में रिटन फॉर्म में. तो तब तक के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो समझ में आई है सब कुछ प्लीज़ लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा. और ट्यून रहने के लिए हमेशा मेरी वीडियोज़ देखते रहिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़.